एक गांव में बरगद का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, जिस पर टोनी चिड़िया अपना घर बनाकर दो बच्चों के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही समझदार और अकलमंद थी। वह गांव के लोगों के साथ घुल मिलकर रहा करती थी। गांव के लोग भी उसके साथ रहना पसंद करते थे और गांव के लोग उसे खाने के लिए समोसे भी दिया करते थे। टोनी चिड़िया अक्सर उस गांव के ऊपर उड़ा करती थी। और जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता, तब वह जाकर सबसे पहले उस गांव के मुखिया को बताती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया गांव के ऊपर ही उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि गांव की तरफ एक लकड़हारा अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर चला आ रहा है। टोनी चिड़िया घबरा गई। उसने सोचा, आज तो मेरा घर और यह बरगद का पेड़ दोनों कट जाएंगे। इसलिए वह सीधे उड़कर मुखिया के पास पहुंची और उसने लकड़हारे के आने की खबर मुखिया को दी। लेकिन मुखिया ने बताया कि यह सारे पेड़ उसी लकड़हारे के हैं, तो हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते टोनी चिड़िया। वह उन पेड़ों को काटेगा जरूर। यह सुनकर टोनी चिड़िया के होश उड़ गए और वह रोने लगी कि अब आखिर वह और उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत ही मेहनत से उसने अपना घर बनाया था। इधर टोनी चिड़िया का हाल रो रो के बेहाल हो चुका था। तभी लकड़हारा गांव में आता है। और एक एक करके धीरे धीरे गांव के सारे पेड़ों को काटने लगता है। और आखिर में बारी आती है उस बड़े से बरगद के पेड़ की। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पेड़ कटने से पहले ही वहां से दूसरी जगह के लिए उड़ जाती है। और आखिर में लकड़हारा उस बड़ी सी बरगद के पेड़ को भी काट देता है।
बरगद के पेड़ को काटने के बाद लकड़हारा और उसके आदमी ट्रैक्टर और ट्रॉली में सारी लकड़ियां लाद कर ले जाने लगते हैं। यह सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है कि जिस पेड़ पर सालों तक उसने अपना घर बनाया, आखिर में उस लकड़हारे ने उस पेड़ को काट दिया और बेरहमी से उसकी लकड़ियों को अपने साथ ले गया। टूनी चिड़िया बहुत ही दुखी और उदास मन से गांव के एक कोने में बैठकर रो रही थी। अब ना उसके पास रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए खाना था। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। आसमान में काली बादल छाने लगते हैं, बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और आखिर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे घबरा कर रोने लगते हैं। घबराई और परेशान टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे गांव में पेड़ के नीचे जाकर छिप जाती है। टूनी चिड़िया को मजबूरन वह गांव छोड़ना पड़ता है क्योंकि अब ना कोई उसे उस गांव में खाना देता था और ना ही उसका घर बनाने के लिए मदद करता। टूनी चिड़िया वहां से दूसरे गांव चली गई और वहां पर उसने अपने बच्चों के लिए एक दूसरा घर बनाया और अपने बच्चों के साथ दुखी मन से रहने लगी। लेकिन टूनी चिड़िया की तो आदत थी कि हमेशा वह उस गांव के ऊपर मंडराती थी। वह जब भी उड़ा करती तब वह उस गांव के ऊपर ऊपर ही उड़ा करती थी। अपनी आदत से मजबूर टूनी चिड़िया एक बार शाम के समय उस गांव के ऊपर उड़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक आदमी जो चोर था वह उस गांव में घुस गया था और वह गांव के घरों में चोरी कर रहा था। लेकिन टूनी चिड़िया यह सब बताती भी तो किसको, मुखिया को? उसने तो पहले ही टूनी चिड़िया की मदद करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए इस बार टूनी चिड़िया शांत हो गई। उसने सोचा कि मुखिया को क्यों ही बताया जाए। लेकिन दूसरी तरफ टूनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना इस चोर को पकड़ने में गांव वालों की मदद किया जाए। टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते गांव में एक किसान के पास पहुंची। टूनी चिड़िया ने उस किसान को चोर के आने की खबर दी और बताया कि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चोर घुसा है, जल्दी से चलकर उसे पकड़ लो। उसके बाद वह किसान कुछ लोगों को लेकर टूनी चिड़िया के साथ चोर को पकड़ने निकल जाता है। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस चोर को पकड़ लेते हैं। चोर को पकड़ने के बाद लोग उसके पास छुपा हुआ सारा सामान वापस ले लेते हैं।
और मुखिया से चोर को सजा देने की बात करते हैं। तभी दूसरी तरफ बैठी चिड़िया की ओर सबकी नजर जाती है। सारे लोग टूनी चिड़िया के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। टूनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ही भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद गांव वाले मिलकर टूनी चिड़िया के लिए एक नया घर बनाते हैं, जिसमें टूनी चिड़िया और उसके बच्चे दोनों फिर से उसी गांव में एक नए घर की शुरुआत करते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई कैसा भी हो, हमें अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा बाहर लाना चाहिए।